राज्य में कम ही समय में तेजी से लोकप्रियता का मुकाम हासिल करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बाड़मेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रालोपा के द्वितीय स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरहदी बाड़मेर रालोपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर गौवंश को हरा चारा खिलाया। राज्य में कम ही समय में तेजी से लोकप्रियता का मुकाम हासिल करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बाड़मेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागौर के खीवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी। गुरुवार को राज्य के विभिन्न इलाकों की तरह सरहदी बाड़मेर में भी आरएलपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रालोपा के द्वितीय स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरहदी बाड़मेर में भी रालोपा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रालोपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने केक काटकर गोवंश को हरा चारा खिलाया। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की दूसरा स्थापना दिवस है और इस बात को लेकर के हम लोग इस दूसरे साल की वर्षगांठ मनाने के लिए सारे लोग कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर के केक काटा और गायों को हरा चारा खिलाया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में रालोपा हनुमान बेनीवाल समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पंचायती राज चुनावों में अपना दमखम दिखाने को तैयार रालोपा के कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बनता नजर आया। बेनीवाल खुद बीकानेर में रहकर पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने गौशाला में हरा चारा डालने के साथ शहीद सर्कल पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान रालोपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।